शाम होने के बाद चाहे घर की ओर लौटता हुआ मजदूर हो या यह डूबता हुआ सूरज, जरा आप ध्यान से इसको देखें। हाँ, और ध्यान से देखें और दिमाग पर जोर डाल के देखें तो आप, हम और सभी लोग यही कहेंगे कि सूरज पश्चिम में डूब रहा है। जी हाँ, हम बचपन से हमेशा यही कहते रहते हैं, सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है। लेकिन ब्रह्मांड में अपनी जगह स्थिर सूरज कभी डूबता ही नहीं है। जबकि पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर चल रही है, जिसके कारण हम यह कहते हैं कि सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है। इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ उद्देश्य यही है कि पृथ्वी पर जब भी कोई घटना घटती है तो उस घटना का आकलन हम जिस तरह से करते हैं वह ज़्यादातर स्थितियों में सत्य नहीं होता है, बल्कि उस घटना के पीछे का वास्तविक कारण कोई और होता है। जैसे कि यह डूबता हुआ सूरज अभी आपको यह बता रहा है कि आपकी आंखें यह समझ रही हैं कि यह डूब रहा है, लेकिन यह डूब नहीं रहा है, बल्कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए हमें डूबता लग रहा है। इसलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए, कोई घटना घटे, तो तत्काल उस पर निर्णय लेने के बजाय यह सोचिए कि उसके पीछे की वास्तविकता क्या है। जिस दिन हम किसी भी घटना की वास्तविकता समझ लेंगे तो वही हमारा शोध होगा, वही हमारा जीवन दर्शन होगा, वही हमारा सत्य होगा, वही हमारा परम तत्व को प्राप्त करना होगा। मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 से इस वीडियो के साथ, आशा है कि यह छोटा सा वीडियो आपकी सोच में काफ़ी बड़ा परिवर्तन करेगा।